गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं अनकंडीशनल लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर रश्मि और जिया की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उसे रोहित को पता चल जाता है, पर उसकी जो कॉमन फ्रेंड रहती है तानिया, जिसके थ्रू वो कहीं ना कहीं हद तक सिचुएशन को ठीक कर देती है, पर जो रश्मि रहती है वो अपने पेपर, इंटरनेशनल पेपर कॉम्पिटिशन्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बिजी हो जाती है और वो बात रात भर रिसर्च करके उस पर लिख रही रहती है। सेम चीज़ रिद्धि के साथ भी चल रही रहती है, क्योंकि रिद्धि को भी ये चीज़ कंप्लीट करना रहता है। पर दूसरी तरफ जो हमारी कायरा रहती है, वो मयूर और मयंक के साथ कुछ ज़्यादा वक्त बिताने लग गई थी। और जब मयूर उसे ये कहता है कि यार ये कॉलेज है, इसमें अभी से फ़ीस भर दे, एडमिशन ले ले, तो कई हद तक ना तनु को और पुनीत को कुछ चीज़ गड़बड़ लगती है। पर उस समय तो कायरा सुनने के लिए रेडी नहीं रहती है। कायरा ने एक बार भी डिस्कस नहीं किया रहता है रिद्धि से। इस बार में रिद्धि को पता तो चल जाता है, क्योंकि वो फॉर्म तो देख लेती है, पर वो तब तक वेट करती है जब तक खुद कायरा आकर उनको हर चीज़ के बारे में ना बताए। तो अब उसके आगे देखते हैं। तनु, तू भी भर देना यार, क्या प्रॉब्लम्स है यार, भर देना, अपन को एक ही कॉलेज में जाएंगे। पुनीत, तुम भी भर दो ना, हम सब एक ही कॉलेज में जाएंगे और अच्छे से होगा, हम मास्टर स्टडीज़ वहाँ से करेंगे। तभी पुनीत कहता है, सॉरी यार कायरा, मेरे कुछ अलग प्लान्स हैं, मैं एक्चुअली मुंबई नहीं जाना चाहता हूँ, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। मैंने सोचा है कि दिल्ली का वहाँ पे NIT कॉलेज है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मुझे उस बारे में सोच के वहाँ जाना है, और मेरे तो वहाँ प्लान्स है। तुम और तनु जा सकते हो, मुझे कोई इशू नहीं है। तो तनु की तरफ देखते बोलती, तनु यार अब ये मत कहना कि तू अपने बॉयफ्रेंड के चक्कर में तू वही NIT कॉलेज में जाएगी। यार मयूर और मयंक काफ़ी अच्छे से बता रहे हैं ये कॉलेज कितना अच्छा है, व्हाई डोंट यू प्रिफर दिस कॉलेज। तनु बोलती, बात बॉयफ्रेंड की नहीं है कायरा, कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के चक्कर में जाने का बोल रही हूँ, बात ये कि मुझे अभी खुद नहीं पता मुझे क्या करना है। आई थिंक आई नीड अ क्लैरिफिकेशन, आई मीन मतलब मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, मुझे नहीं पता मैं क्या करना चाहती हूँ उसके बाद नहीं है। अभी तो हम सिर्फ डिग्री ले रहे हैं, हमारा ग्रेजुएशन हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन इस मीन स्पेशलिटी, और वो मैं किस में करना चाहती हूँ मैं अभी तक क्लैरिफाइड ही नहीं हूँ। तो यार मैं नहीं करना चाहती। पुनीत इज़ वेरी स्मार्ट गाय, ही इज़ स्मार्ट एंड ही इज़ वेरी वेरी स्मार्ट बेबी, बात बॉयफ्रेंड की नहीं है, ही नोज ही वॉट ही वॉन्ट्स, बट ट्रूली यार मुझे नहीं पता कायरा मुझे क्या चाहिए। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है तू जल्दबाजी कर रही है, तुझे थोड़ा रुक कर डिस्कस करना चाहिए अपनी फैमिली के साथ, एंड आई होप कि तू उनसे जब डिस्कस करेगी तो वो तुझे क्लैरिफाई करेंगी कि तुझे क्या करना है। यहाँ पर जो तनु रहती है वो इशारों में कहीं ना कहीं बातों में ये कह रही रहती है कि तुझे रिद्धि से बात करनी चाहिए, क्योंकि रिद्धि इन सब चीज़ों में पहले से हैं, उन्हें पता है, वो काफ़ी स्मार्ट है, और दूसरी चीज़ वो एज में भी इनसे बड़ी हैं, तो यार वो हर चीज़ क्लियरिफाई कर सकती है। पर यहाँ पर जो तनु रहती है, जब वो ऐसे बोलती है, तभी कायरा बोलती है, नो नो नो, आई डोंट नीड टू डिस्कस विथ एनी बडी, मॉम डैड तो हर चीज़ के लिए एग्री हो जाएंगे, मुझे नहीं लगता वो मुझे किसी भी चीज़ के लिए रोकेंगे, और मैं कुछ गलत थोड़ी ना कर रही हूँ, कॉलेज ही तो जा रही हूँ यार, मुंबई, द मुंबई इज़ अ ड्रीम सिटी, एवरीवन वांट्स टू गो देयर यार, तो मैं भी चली जाऊँगी तो क्या इशू होता है। और रही बात चीज़ों की, तो यार हर चीज़ मैनेज हो जाती है, अगर मैनेज करने वाला हो तो मैं तो समझा दूंगी ना कि यार मुझे स्टडीज़ के लिए उधर जाना है। क्यों मयूर, कॉलेज काफ़ी अच्छा है ना? तो मयूर कहता, हाँ यार कायरा बहुत अच्छा है, बट यार मैंने बताया ना कॉलेज काफ़ी अच्छा है, बट तुझे पता है ना कि यार दिस कॉलेज नीड्स एडवांस मनी, यार तुझे सीट बुक करनी पड़ेगी, देख कॉलेज की फ़ीस तो लाखों में होती है तुझे पता है, पर यहाँ पर सिर्फ तुझे टोकन अमाउंट देना है जो 25,000 है, बस 25,000 तू टोकन मनी दे दे, उसके बाद धीरे धीरे हर एक चीज़ हो जाएगी। एंड यार सब कुछ अच्छा है, तू एक बार पता कर ले, मैं तेरे को नेट पे वेबसाइट वगैरह भेजी है, तू कर दे यार, इट्स माइंड ब्लोइंग। तभी मयूर बोलता है, अच्छा सुन यार मैं निकलता हूँ यार, वो थोड़ा सा काम है। हाँ मयंक, तो मयंक जैसे मयूर को बुलाता है तो मयंक मयूर को साइड में लेते हुए बोलता है, तूने बात कर ली ना, क्या वो मान गई है? तो कहते हाँ यार मैंने उसे काफ़ी ज़्यादा कन्विंस कर लिया है, कई हद तक वो मेरे पूरे जाल में फंस चुकी है, तुझे पता है ना कि
मैं कितना अच्छा हूँ, और मैंने उसे काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया, काफ़ी अच्छे से चीज़ों को बात करी है, वो बहुत अच्छे से समझ गई है, यार सिचुएशन इज़ काफ़ी गुड, वो टोकन अमाउंट दे देगी तो टेंशन ना ले। अगर ठीक है, और सुन, इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, और हो सकता है जितने लोगों को हम इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं उसको कर। वो आज शाम को ना एक कम्युनिटी बिठाई है मैंने, वहाँ पर सबको बुलाते हैं। तो कहता है ठीक है, ज़रूर बुलाते हैं। तो ये यहाँ से दोनों निकल जाते थे, पर तभी एकदम से जो तनु है वो एकदम से बोलती, कायरा तेरा दिमाग तो ठीक है यार, मैं तुझे बोल रही हूँ एक बार रिद्धि से डिस्कस तो कर, रिद्धि को तो बता यार, तू अपने लाइफ के डिसीजन अलग अकेले दे रही है यार, इसमें क्या बताने लायक है यार, मेरी लाइफ है, मुझे कहाँ से अपना ग्रेजुएशन करना है, मैं खुद डिसाइड कर सकती हूँ, इसके लिए रिद्धि क्या बताएंगी, और वो मुझे मना नहीं करेंगी। बात मना करने की नहीं है कायरा, तनु कहती है, नहीं है, बात ये है कि यार वो यार क्या सही है क्या नहीं गलत वो बताने के लिए हेल्प तो कर सकते हैं। कहती मुझे तो नहीं लगता है। पुनीत इन दोनों की कन्वर्सेशन सुनता रहता है, फिर एकदम से जो कायरा है वो उठ के चली जाती है और कहती कि अच्छा चल मैं जा रही हूँ, मुझे वॉशरूम जाना है, मैं जाती हूँ, और ऐसे कह के वो उठ के चली जाती है। तभी तनु पुनीत की तरफ देख के बोलती है, यार इसको हो क्या गया, ये सुन क्यों नहीं रही है। तो वो बोलता है, सुनो तनु, मुझे ऐसा लगता है कि आपको रिद्धि से बात करनी चाहिए, और वो हमारी टीचर भी हैं, और तो उनसे डिस्कस करते टाइम ये बात बता दो कि ये मयूर के साथ बात होने पे ये ऐसा ऐसा सोच रही हैं, और कुछ हद तक ठीक है या नहीं है ये आप उनसे बात कर लो, क्योंकि मुझे मयूर पे भरोसा नहीं है, और आपको पता है मयूर किस टाइप का इंसान है, कौन सा कॉलेज है, क्या है, इसकी डिटेल्स हमें पता नहीं है, और 25,000 इज़ अ बिग अमाउंट, तो प्लीज़ एक बार आप बात कर लो, देखते फिर क्या होता है। तो कहती है, हाँ ठीक है पुनीत, मैं आपकी बात को समझ रही हूँ, मैं आज ही मैं रिद्धि मैम से बात करती हूँ। ऐसे कह के तनु उठ जाती है, यहाँ से जाती है, तो वो जाते जाते एकदम से जिया मैम से टकराती है। तो जिया मैम बोलते, ओ तनु, ओहो कहाँ तुम रॉकेट बन के भाग रही हो, इतना भागते भागते जाओगी, क्या हो गया है, इतना भाग क्यों रही हो। तो कहती है, अरे नहीं नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं, अच्छा सुनिए ना मैम, रिद्धि मैम पता है। तो कहती, ओ रिद्धि से काम है आपको भी, क्या यार हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है, हम एडवर्टाइजमेंट वालों को कोई पूछता तक नहीं है, टीजी होकर भी मुझे कुछ फ़ायदा ही नहीं होता है। तो वो कहती है, मैम ऐसा नहीं है, अच्छा सुनिए ना प्लीज़ कहाँ पर है वो। तो कहती हैं, आपको नहीं पता। तो कहती क्या नहीं, कहती अरे वो बहुत ज़्यादा बिजी है अभी 1 वीक तक, क्योंकि उसके इंटरनेशनल पेपर कंपटीशन है, वो और रश्मि बहुत ज़्यादा बिजी हैं, और वो लाइब्रेरी में बैठे रहती हैं और वो अपना काम कर रही हैं। हुआ क्या है, आप इतने जल्दी जल्दी में क्यों रिद्धि के बारे में पूछ रहे हो, क्या हुआ है, समथिंग, एनी डाउट, एनीथिंग। तो कहती है, नहीं नहीं मैम बिल्कुल भी कुछ डाउट नहीं है, एक्चुअली मुझे ना कुछ भी ऐसा डाउट वगैरह नहीं होता, मेरे डाउट तो सारे पुनीत क्लियर कर देता है ना। तो जिया मैम तो पहले से ही थोड़ा नॉटी रहती हैं, तो जिया मैम एकदम से बोलती, ओ हाँ 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 भाई है ना पुनीत, पुनीत तो है सारे डाउट क्लियर करने के लिए। और वो जब बोल रही रहती हैं तब वो उनके ना अपने कंधे से उसके कंधे पे मारते हुए बोलती कि हाँ सही बात है। तो कहती है, अच्छा बताओ फिर क्या बात है। तो तनु कहती है, एक्चुअली मैम मुझे ना कायरा से रिलेटेड बात करनी है, तो इसलिए मुझे ना रिद्धि मैम के पास जाना था, बट अगर वो बहुत ज़्यादा बिजी है और उनका काम इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो बाद में कभी कर लूँगी, बट थोड़ा तो इम्पॉर्टेंट है मेरी भी डिस्कशन। तो कहती हाँ तो फिर जाओ ना लाइब्रेरी के, लाइब्रेरी भी आप जाओगे एकदम लास्ट वाला एक कॉर्नर सीट रहती है ना, वो उनकी फेवरेट है, वो वहीं मिलेंगी। तो कहती मैम पक्का ना, कोई डिस्टर्ब तो नहीं करूँगी ना, तनु कहती है। तो कहती देखो डिस्टर्बेंस होना होगा तो वो बता देगी, नहीं होना होगा तो बात कर लेगी, इस बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं है, तो मैं तो चली, आप जाके बात कर लो। तभी वो पूछे, आप कहाँ जा रहे हो मैडम। तो कहती है, एक्चुअली ना मेरी फ्रेंड है, कॉमन फ्रेंड तानिया, और तो मैं उससे मिलने जा रही हूँ यार, उसे थोड़ा सा पर्सनल मैटर है, थोड़ा डिस्कशन वगैरह करना है, तो इसके लिए मैं जा रही हूँ। तो कहती है, ओके मैम ठीक है बाय बाय। तो ऐसे कह के जो तनु रहती है वो फटाफट भागते भागते लाइब्रेरी के वहाँ जाती है। जैसे वो लाइब्रेरी में पहुँचती है तो वो वहाँ जाते से ही एकदम से लाइब्रेरी टीचर बोलती है कि प्रिंट ऑफ साइलेंस,
तो वो कहती है कि हाँ मैम मुझे अंदर जाना है। तो वो अंदर जाती है, पहले तो ढूंढती है मैम का, फिर वहाँ पर रश्मि और रिद्धि मैम बैठे रहते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस डिस्कशन हो रहा था, उनकी बुक्स वगैरह सब, मतलब आप देखोगे तो उनके इतने बड़े डेस्क में दो लैपटॉप, और दो लैपटॉप के साथ कम से कम 10-12 जो किताबें ओपन रहती है और बाकी किताबें साइड में रखी रहती है, ऐसा लग रहा था वो बुक शॉप ओपन करके बैठे हुए हैं, इतना ज़्यादा चल रहा था। तभी जो तनु आती है वो एकदम से आकर बोलती है मैम, तो रश्मि बोलती है हाँ तनु हाउस यू आर, तो वो कहती है आई एम गुड मैम। रिद्धि मैम अगर आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो तो मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ। तो रिद्धि बोलती है अर्जेंट है, तो वो कहती है कि हाँ थोड़ा सा अर्जेंट है, प्लीज़ इफ़ यू डोंट माइंड। तो रिद्धि कहती है आप डाउट क्लियर करने आए हो, तो वो कहती नहीं नहीं बस नॉर्मल बात करनी है। तो रश्मि कहती अच्छा तो मैं जाऊँ क्या, तो कहती नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इतना भी पर्सनल नहीं है, मैं कायरा थोड़ी ना हूँ जो वैसी वाली बात करने आऊँगी। तो रिद्धि और रश्मि दोनों एक दूसरे को देख के और एक तरफ तनु को देखते, तो कहती सॉरी मैम एक्चुअली वो क्या है ना आजकल आपके साथ मैम वाली फीलिंग ही नहीं आती है, वो आपसे आपको तो पता है अब हम एक साथ मिलते जुलते हैं तो थोड़ी मस्ती वगैरह हो जाती है, तो सॉरी आई हैव टू रिस्पेक्ट यू, आई एम रियली सॉरी। तभी रश्मि कहती है इट्स ओके चलो बोलो क्या बात है। तो रिद्धि कहती, तो रिद्धि थोड़ा सा देखती है तो थोड़ी देर तक तो तनु एकदम शांत रहती है, तो रिद्धि बोलती है एनीथिंग सीरियस, तो कहती है कि यस मैम देयर इज अ समथिंग सीरियस, तो कहती ओके बताओ। तो वो कहती है कि मैम तनु को मैम कायरा को पता नहीं क्या हुआ है, वो शायद आपसे इस बारे में डिस्कस ही नहीं कर रही है, बट मुझे ऐसा लगता है कि उसे आपसे डिस्कस करना चाहिए था, बट अगर वो नहीं कर रही तो एज अ बेस्ट फ्रेंड माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टॉक विथ यू एंड डिस्कस एवरीथिंग, सो मैं अपनी फ्रेंड को थोड़ा प्रॉब्लम में नहीं देख सकती हूँ। तो रश्मि बोलती हैं कि क्या हो गया ऐसा समथिंग इज हैपेंड, तो कहती नो एक्चुअली मैम वो पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए मुंबई जाना चाहती है, ये अच्छी बात है ऐसा नहीं है, पर मैम वो मयूर के कहने पर कोई सी कॉलेज में एडमिशन दे रही है और जिसके लिए टोकन अमाउंट ऑफ 25,000 उसे अभी पे करने हैं। मुझे ऐसा लगा कि इस बारे में पहले वो आपसे डिस्कस करे किस फील्ड में उसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसे वो डिस्कशन आपके साथ करना चाहिए, बट वो नहीं कर रही है, सो एक बार आप उससे बात बात करो प्लीज़, क्योंकि इट्स साउंड लाइक समथिंग फिशी, बिकॉज हमारा एडमिशन होगा 1 साल के बाद और 1 साल पहले हम टोकन अमाउंट क्यों दें, कौन सा कॉलेज है क्या है कुछ आइडिया नहीं है। तो तनु की सारी बातें सुनती है और रिद्धि भी थोड़ी सी टेंशन में आ जाती है, डिड शी पेड इट, तो कहती आई डोंट नो, बट वो अपने पापा का क्रेडिट कार्ड लेकर तो घूम ही रही थी, तो वो कह रही थी कि मैं अब भी पे कर देती हूँ, सो प्लीज़ मैम इट्स वेरी अर्जेंट, क्योंकि आज के अभी के अभी उसने बोल दिया है पे करने के लिए, मतलब आज के आज ही पे करने को बोला है, तो मुझे तो रश्मि कहती है कि ठीक है थैंक यू तनु इस बारे में बताने के लिए, मैं हम लोग बात करते। तो तनु बोलती ओके मैम आप प्लीज़ देख लेंगी ना, तो रिद्धि कहती है कि हाँ मैं देखती हूँ, और ये बोल के तनु वहाँ से उठ के चली जाती है। तभी जब रश्मि एकदम से उसके उसी तरफ देखती है तो रिद्धि भी वही दिखने लगती, तभी दोनों एक साथ बोलते क्या तुम वही सोच रही हो जो मैं सोच रही हूँ, तो दोनों के साथ बोलने के बाद दोनों एक दूसरे की तरफ देख के बोलते यस। तो वो लोग अपना लैपटॉप उठाते और वो कुछ सर्च करने लग जाते, कुछ सर्च करने के बाद उनका वो डाउट जो रहता है वो पक्का क्लियर हो चुका रहता है, वो डाउट को बहुत अच्छे से देख रहे रहते। फिर वो एकदम से बोलती है रश्मि मैंने ना रिद्धि के बैग से एक एनवलप गिरा था और जिस एनवलप को मैंने ओपन किया था और उस एनवलप को ओपन करने के बाद ना उसमें ना कुछ JPA कॉलेज का नाम लिखा था, शायद ये उसी कॉलेज के बारे में बात कर रही होगी, तो कहती हाँ हो सकता है ये उसी कॉलेज के बारे में बात कर रही होगी, लेट इट बी, हाँ मैं देखते हैं लेट सर्च अबाउट दैट। तो ये लोग सर्च करने लग जाते हैं, तो सर्च करने के बाद इनको पता चलता है कि इस नाम का तो कोई कॉलेज ही नहीं है, बहुत नेट पे सर्च करते हैं, करीब 10 से 15 मिनट तक ये लोग हर एक साइट पे जाते हैं, हर एक चीज़ करते, जितना इनसे सर्फिंग हो सकती थी ये सारे सर्च करते, पर
पर इनको कुछ भी नहीं मिलता है। थोड़ी देर तक ये दोनों खुद एकदम टेंशन में हो जाते हैं और कहते हैं कि यार जिस कॉलेज के बारे में ये लोग बोल रहे हैं ये तो यहाँ है ही नहीं। तो कहती है तो फिर ये कौन सा कॉलेज है, और कायरा वॉन्ट्स टू गो इन दिस कॉलेज एंड गिव द मनी। रिद्धि देर इज़ अ समथिंग फिशी। तो कहती है आई डोंट नो, बट जो हम सोचें अगर वो है तो पक्का कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। एक मिनट मैं कायरा को फ़ोन करती हूँ। तो वो फटाक से उठाती है और कायरा को फ़ोन कर रही रहती है, लेकिन कायरा फ़ोन ही पिकअप नहीं करती है। बहुत देर तक दोनों एक दूसरे को कॉल करते हैं, बहुत कॉल करते हैं, नहीं उठाती है। तब जो रश्मि रहती है वो बोलती है मैं कॉल करूँ, हो सकता है तेरा कॉल ना उठा रही हो कुछ रीज़न की वजह से। हाँ मुझे भी यही लग रहा है रश्मि, फाइंड आउट करते हैं। थोड़ी देर तक ये लोग ऐसे बैठते, तभी रश्मि ना जिया को फ़ोन लगाती है। तो जिया बोलती है कि हाँ हाँ रश्मि बोलो। तो कहती कहाँ पर हो आप? तो वो कहती यार मैं तो तानिया के साथ हूँ। तो कहती कौन तानिया? तो कहती मैंने बताया था ना रोहित और मेरी कॉमन फ्रेंड, आपको तो सब पता है इस बारे में। तो वो कहती है कि हाँ हाँ मुझे याद आया, बट आप उनके साथ कर क्या रहे हो? तो कहती कर क्या रही हूँ, मतलब क्या बात करने आई हूँ। एक्चुअली वो रोहित के मैटर में ही बात करने आई थी, वो थोड़ा बहुत जानना था। तो कहती है अच्छा। तभी वहाँ से लाइब्रेरी टीचर चिल्लाती है प्रिंट ड्रॉप साइलेंस, यहाँ लाइब्रेरी है, फ़ोन करनी है तो आपको बाहर जाइए। तो जैसी वो बोलती हैं तभी रश्मि बोलती है यार ये बात ही नहीं करने देती है यार। तो कहती है कि हाँ यार कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, तू बाहर जाके बात कर ले। तो जो रश्मि है वो बाहर जाती है और जिया के साथ बात करने लग जाती है। तब वो जिया को बोलती है कि यार आपको क्यों बात करनी है, क्या करना है, अभी तक मैटर सॉल्व नहीं हुआ क्या? तो कहती है बेबी यार इतनी जल्दी मैटर सॉल्व नहीं होता है, और रोहित तो थोड़ा सा खिसका दिमाग का इंसान है ना, तो उससे सारी चीज़ें पता करने के लिए या कुछ भी करने के लिए मुझे बात तो करनी पड़ेगी ना यार। क्या कर सकते हैं, अभी तो मैं उससे बात करूँगी तभी तो सारी चीज़ें क्लियर होगी, चीज़ें पता चल जाएगी काफ़ी अच्छे से। तो कहती है कि हाँ ठीक है देखते हैं, कर लो आप। एक्चुअली मुझे ना आपसे ना एक चीज़ पूछनी थी इसलिए मैंने आपको कॉल किया था, रश्मि कहती है। तभी जिया कहती है कि हाँ पूछो क्या पूछना है। तो कहती है एक ऐप था ना आपके पास, जिस ऐप से ना जो भी चीज़ों के बारे में पता चल जाता है, लाइक फेक साइट या फिर कुछ ऐसी न्यूज़ जो हमें कहीं नहीं मिल रही हो पर वो है। तो कहती है कि बेबी उसे वो ऐप नहीं कहते, उसे डार्क वेब कहते हैं। डार्क वेब होता है जहाँ पर जाकर जो चीज़ बाहर पब्लिकली नहीं मिलती है, जो हमारी नॉर्मल सर्फिंग में नहीं मिलती है, वो एक्चुअल में डार्क वेब में मिलती है, और मेरे बस का नहीं है डार्क वेब को एक्सेस करना। तो बोलती है तो बेबी कौन एक्सेस करता है ये डार्क वेब? तो कहती है कि मेरा दोस्त है, उसे डार्क वेब एक्सेस किया था पिछली बार जब मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन निकालनी थी जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, तो वो डार्क वेब एक्सेस किया था। और आपको पता है डार्क वेब इज़ वेरी वेरी अनोमियस वेब रहता है, जिसके बारे में किसी को कुछ एक्सेस नहीं होता, और उसमें ना जिनकी कमांडिंग अच्छी हो कंप्यूटर में, लाइक मे बी द हैकिंग या मे बी द समथिंग, वो ही इस चीज़ को एक्सेस कर सकता है। तो आपको डार्क वेब पे जाने वाली बात क्या आ गई? तो कहती नहीं नहीं जाना नहीं है डार्क वेब पे, एक्चुअली एक जेपीजी करके ये जो कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए थी और थोड़ा सा पता करना था कि वो इंफॉर्मेशन क्या है ये सब चीज़ें, तो मैं सोच रही थी कि अगर आप पता करके बताओगे तो ठीक है। तो कहती है नॉर्मल सी चीज़ है यार बेबी, इसके लिए डार्क वेब पे क्यों जाना है, डार्क वेब इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्सेस, तो हम उधर नहीं जाएंगे, आप बताओ, आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं इसके बारे में अपने दोस्त से पूछे बता देती हूँ। तो कहती है ठीक है। तो ये लोग फ़ोन कट कर देते हैं, तभी वो उसके बारे में बता देती है। और एक्चुअली में ना जब वो फॉर्म लिखा रहता है तो उसमें एक वेबसाइट की लिंक दी रहती है, www. something करके वेबसाइट रहती है, तो वो वेबसाइट भी लोग टाइप करके भेज देते हैं। जो ये हमारी रिद्धि रहती है उसे जब फॉर्म देने से पहले पहले उसने एक फ़ोटो क्लिक कर ली थी उस फॉर्म की, तो फॉर्म की मतलब उसके नाम की वगैरह की फ़ोटो क्लिक करके दी थी। तो उसमें वेबसाइट वगैरह सब कुछ फॉर्म रहता है उसमें लिखा था, ईमेल आईडी, पर ये लोग जब उस वेबसाइट को देख रहे थे तो इन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा था, नॉट एड्रेस फाइंड आउट कर रहा आ रहा था या कुछ चीज़ें नहीं मिल रही थी। फिर बड़ी मुश्किल से बहुत बार उस वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद वो वेबसाइट का ऐसा था कि वो वेबसाइट सिर्फ ओपन हो रही थी फ्यू मिनट्स ऑफ टाइम के लिए, मतलब 1 या 1.5 घंटे के लिए वो वेबसाइट ओपन होती है फिर वो वेबसाइट बंद हो जाती है। तो इस बारे में ना इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा डाउट हो रहा था कि
कि ये ऐसा क्यों कर रही है। तो इसी चीज़ के लिए उनको डार्क वेब या कुछ एक अलग चीज़ों का पता करना था, तो ये वेबसाइट के बारे में लिंक सेंड कर देती है। तो दूसरी तरफ जो जिया है वो तान्या के साथ बैठती है, तान्या के साथ काफ़ी ज़्यादा डिस्कस करती है, तान्या को बताती है यार रश्मि के साथ कैसे हमारा रिलेशन स्टार्ट हुआ, कैसे मुझे रश्मि की फीलिंग्स के बारे में पता चला, क्योंकि उससे पहले रश्मि का उससे पहले ऑलरेडी जिया का एक बॉयफ्रेंड था प्रतीक, तो उससे उसका ब्रेकअप कैसे हुआ और ब्रेकअप होने के बाद ये फीलिंग कैसे आई दोनों को एक दूसरे के लिए और कैसी चीज़ों के बारे में सब कुछ क्लियर हुआ, वो ये सारी बातों के बारे में उसे बताती है। और इनका जो बात करने का जो तरीका होता है वो काफ़ी डीप चल रहा रहता है और बताती है। तभी उसको याद आता है कि यार मुझे काम दिया था रश्मि ने कुछ, तो करीब आधे घंटे के बाद उसे याद आता है और उस आधे घंटे के टाइम पर वो एकदम से वो लिंक के बारे में अपने दोस्त को भेज देती है। जैसे वो अपने दोस्त को भेजती है तो उसे कॉल करके बोलती है यार ये सारी चीज़ों के बारे में पता कर, ये कौन सा है, कौन सी साइट है, क्या है, और ये साइट एक्चुअली सिर्फ 2 या 3 घंटे के लिए ओपन हो रही है, बाकी कुछ हो रही है, तो प्लीज़ यार पता कर ले क्या है। तो वो बोलता है हाँ ठीक है मैं पता करके बता देता हूँ। तो यहाँ पर उसका दोस्त भी काफ़ी ज़्यादा खुश रहता है और अच्छे से हर चीज़ें पता कर लेता है। रश्मि और जिया को पूरी चीज़ें गड़बड़ लगी रही थी कि तभी एक थोड़ी देर के बाद सबके सब स्टूडेंट के मोबाइल पे एक पॉपअप आता है, एक मैसेजेस आता है, जिस मैसेजेस में एक ये बोलते हैं ना कि जब ग्रुप मैसेजेस जो बोलते हैं बल्क में मैसेजेस सेंड करने, बल्क में मैसेजेस सेंड होते हैं और उसमें दिखा रहता है कि मयूर ने सारे जो सीनियर्स हैं, जो हमारे सेकेंड क्लास वाले सेकेंड ईयर्स वाले सीनियर्स हैं, उन सबको सेमिनार हॉल पर बुलाया है, आज मतलब शाम के 4 बजे सबको आना है। तो ये सारे मैसेजेस आते हैं और इस मैसेजेस में लिखा रहता है कि यार प्लीज़ आओ कुछ डिस्कशन करना है, करियर से रिलेटेड है ऐसे करके। तो वो जो मैसेज रहता है ना वो तनु के पास भी आता है और तनु की तो इस बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी रहती है मयूर से मयंक को, तो वो क्या करती है ये वाला मैसेजेस है वो रिद्धि मैम को फॉरवर्ड कर देती है। रिद्धि मैम के पास आता है तो रिद्धि मैम को वो बोलती है कि मैम ये फ़ोटो देखती है और फ़ोटो देखने के बाद बोलती है यार ये फ़ोटो है आप नहीं सॉरी ये मैसेज है आप ये देख लो इसके बारे में पता कर लीजिए। तो वो मैसेजेस को पढ़ती है तो वो बोलती है कि यार ये है। थोड़ी देर के बाद वो लोग यहाँ से निकल जाते हैं, सब के सब चले जाते हैं। शाम के 4 बजे ये लोग भी उस सेमिनार हॉल में आते हैं और एकदम एकदम लास्ट में खड़े रहते हैं देखने के लिए कि आखिर हो क्या रहा है, मतलब क्यों सबको बुलाया गया है मयंक ने और मयूर ने और इनके इनके बीच में चल क्या रहा है। तो ये लोग खड़े होकर देखते हैं तो वहाँ पर कायरा भी रहती है और कायरा बहुत एक्साइटेड रहती है तनु के साथ रह के और होती है। करीब 15 से 20 मिनट का इन लोगों का एक प्रेजेंटेशन रहता है, जिस प्रेजेंटेशन में वो कॉलेज के बारे में पूरी चीज़ से डिस्क्राइब करता है और ये वही कॉलेज रहता है जिसमें एडमिशन लेने के बारे में कायरा सोच रही रहती है। तो सब चीज़ उसके बारे में डिस्क्लोज़ होती है, हर एक चीज़ डिस्क्लोज़ होती है, हर चीज़ें बहुत डीपली हर चीज़ों के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पर जाओगे तो ये फैसिलिटी मिलेगी वो मिलेगी। पूरी चीज़ करने के बाद लास्ट में वो बोलता है यार ये कॉलेज बहुत औसम है, अगर इसकी सीट चाहिए, अगर आपको कुछ भी करना है तो प्लीज़ 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 आज के आज ही सीट बुक करो और हम लोग ये जो मेरे दोस्त का है वो वहाँ पर काम करता है और मेरा सीनियर भी है, वो उन्होंने ही मुझे इन सब के बारे में बताया है, हर चीज़ के बारे में बताया है, चीज़ें सब कुछ बताई है, तो प्लीज़ आप अभी के अभी आकर यहाँ पर स्टार्ट करो, अगर आप अभी नहीं करोगे बुक तो आपको नहीं मिलेगा। और जो इन लोगों का प्रेजेंटेशन रहता है हर चीज़ इतना कन्विंसिंग रहता है और हर चीज़ इतनी अच्छी रहती है कि जिसके बारे में, और वो क्या करता है वो फॉर्म सबको बांट देता है और एक फॉर्म के पीछे एक आप ये कह सकते हो UPI का जो कोड होता है वो रहता है, बैंक डिटेल्स रहती है और सारी चीज़ें रहती है मोड ऑफ द पेमेंट्स के नाम पे और मिनिमम रहती है 25,000।
आपको टोकन मनी करने के लिए। तो जिस जिस को वो कॉलेजेस चाहिए, जिस जिस को अपना फ्यूचर चाहिए, उसमें जो जो फील्ड चाहिए उसके बारे में सिलेक्ट कर दे और बुक कर दे। तो वो फॉर्म जब डिस्ट्रीब्यूट होते रहते तो एकदम से मयूर और मयंक के फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करते समय मैम खड़ी रहती हैं, दोनों रश्मि और रिद्धि खड़ी रहती है, और वो लोग भी वो फॉर्म ले लेते हैं। थोड़ी देर तक वो फॉर्म को देखने के बाद यहाँ पे मयंक और मयूर बोलते हैं, मैम आप लोग क्या यहाँ कर रहे हैं, ये तो एक्चुअली स्टूडेंट यूनियन है और आपको यहाँ क्या काम है। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं एक्चुअली ना हमें हमारे पास ये मैसेज हमें फॉरवर्ड किया था किसी ने, तो हमको लगा हमें भी देखना चाहिए यार कि मतलब हमारे कॉलेज में क्या क्या हो रहा है, थोड़ा बहुत तो हमें भी पता आना चाहिए। तो वहाँ से जो रश्मि उठती है वो कहती है, डोंट वरी मयंक, इट विल बी वेरी वेरी कूल थिंग ना कि आपकी आपको सपोर्ट करने के लिए हम जैसे टीचर्स भी करेंगे, तो आपकी ये सारी चीज़ें काफ़ी काफ़ी इफ़ेक्टिव होगी, और अगर मैं हाँ नहीं करूँगी तो फिर कैसे होगा। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी जाके आपको सपोर्ट करना चाहिए, तो आपका जितनी भी चीज़ है ना वो इफ़ेक्टिव होगी। तो वहाँ से रश्मि उठती है और स्टेज होता है, वो वहाँ पर जाके खड़ी हो जाते हैं और कहती है, हेलो स्टूडेंट। तो सब लोग बोलते हैं, हेलो मैम आप कैसे हो। तो वहाँ से रश्मि कहती है, यस आई एम गुड, मुझे भी काफ़ी इफ़ेक्टिव लगा, आई लव इट द वे इट इज़, बहुत बहुत इफ़ेक्टिव है ना, मतलब मयूर और मयंक ने जितने भी अच्छे से बोला है काफ़ी इफ़ेक्टिव वे में बोला है, और मुझे तो इतना पसंद आया कि शायद अगर मैं स्टूडेंट होती ना तो मैं भी आज के आज ही बुक कराती और इस कॉलेज में एडमिशन लेती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट मैं ऑलरेडी यू नो टीचर हूँ आपकी, तो मैं ऑलरेडी अपना ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सब कर चुकी हूँ, और आपको तो पता है कि हम लोग PhD कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें तो हमारे साइड से हो गई है, इट्स जस्ट लाइक कि हाँ। बट मयूर मयंक इट इज़ वेरी इफेक्टिव, आई थिंक रिद्धि यू शुड हैव टू जॉइन अस। तो रिद्धि जो रहती है वो बहुत ज़्यादा यू नो उसका नेचर जो रहता है वो स्ट्रिक्ट रहती है, वो कभी भी किसी मैटर में इन्वॉल्व नहीं होती है, पर जब रश्मि एकदम से बुलाती है तो रिद्धि भी स्टेज पर आती है और स्टेज पर आके खड़ी होती है, और वो बोलती है कि हेलो स्टूडेंट, एंड यहाँ पर मैंने देखा है कि सारे फील्ड के हैं, मीन्स लाइक इकोनॉमिक्स वाले भी हैं, एडवर्टाइजमेंट वाले भी, मार्केटिंग वाले के भी, आई थिंक मार्केटिंग के TG को भी होना चाहिए था बट वो यहाँ पर है नहीं है, सो इट इज़ लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड। तो कहते हैं कि मैम मतलब हुआ क्या है, आप लोग भी हमें सपोर्ट करना चाहते हो क्या, एकदम से मयंक बोलता है। तो रिद्धि बोलती है कि ऑफकोर्स हम आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, और चीज़ों के बारे में हमने काफ़ी सुना है। करीब ये बोलते बोलते एकदम से जो रश्मि है वो अपना मोबाइल उठाती है और मैसेज करती है, कहाँ हो तुम, कितनी देर में आ रही हो यार, तुमने बोला ना मैंने ये इन्फॉर्मेशन। तो कहती बस आ रही हूँ ना, 10 मिनट में आ रही हूँ। तो एक्चुअली कुछ बिग बैंग करने का प्लान रहता है ये तीनों का, क्योंकि ये तीनों को बहुत कुछ हंगामा करने की आदत सी रहती है। तो थोड़ी देर में हो जाता है, खड़ी रहती है, तभी वो पूरी प्रेजेंटेशन के बारे में फिर से देखती है, और वो एकदम से पूछती है कि स्टूडेंट से रैंडमली स्टूडेंट्स को रिद्धि पूछती है कि आपकी क्या फील्ड है। तो वो कहते हैं कि मैम मैं तो इकोनॉमिक्स में ऑनर्स करना चाहती हूँ। तो तभी वो मयंक को बोलती है, क्या यहाँ पे इकोनॉमिक्स ऑनर्स है अगर ये इस कॉलेज में एडमिशन लेंगी। तो कहते हैं कि हाँ हाँ मैम सब कुछ है इस कॉलेज में, आप ये देखो ये एकदम से वो कोर्स का लिस्ट ओपन करता है तो उस कोर्स में सब कुछ लिखे रहते हैं, उस कोर्स उस स्टूडेंट ने मतलब उसमें इतने सारे कोर्सेस लिखे रहते हैं, कभी इकोनॉमिक्स ऑनर्स रहता है, कभी एडवर्टाइजमेंट ऑनर्स रहता है, मास मीडिया रहता है, एनिमेशन चीज़ें रहती हैं, तो थोड़ा सा डाउटेबल होता है। तो तभी जो जिया रहती है वो भागते भागते आती है और कहती है, ओ सॉरी आई थिंक आई एम लेट। तो तब लोग सब हाई करते हैं, क्योंकि जो जिया रहती है वो भी एडवर्टाइजमेंट की TG रहती है और सब उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो वो आती है तो कहती है, ओ मेरे भी मतलब मेरे स्टूडेंट्स भी हैं यहाँ पर। तो रश्मि कहती है, हाँ सबके स्टूडेंट है, और जो काम मतलब सबको टेंशन रहती है ना जिया कि अपने फ्यूचर में कहाँ जाएंगे, कौन सा कॉलेज लेंगे, वो सारी चीज़ को सॉल्व करने के लिए मयूर और मयंक ये वाला कॉलेज लेकर आए, सो गुड ना। तो कहती है कि हाँ बहुत बढ़िया है यार,
आई विल मस्ट से कि वेरी गुड जॉब गाइस। तो वो कहते हैं कि हाँ मैम, मतलब ठीक है। तो तभी जो रश्मि रहती है वो कहती है कि तुम सब कुछ पता करके आई हो ना? तो कहती है हाँ बाबू, मैं सब कुछ पता करके आई हूँ। बेबी डोंट वरी, अभी करते हैं ना, धमाका तो करना ही है ना हमें, थोड़ा सा चिल, पहले बच्चों के साथ थोड़ा इंटरेक्ट हो जाए फिर धमाका करते हैं। तभी रिद्धि एकदम से आगे बोलती है, स्टूडेंट पीजी का मतलब क्या होता है? पोस्ट ग्रेजुएशन, मीन्स आप जिसमें ग्रेजुएट हुए हो उस पर आप स्पेशलिटी करना चाहते हो, इसलिए आप पोस्ट ग्रेजुएट लेते हो, तो वो आपका सबसे बेस्ट ऑफ बेस्ट कॉलेज होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी आपको कॉलेज बता रहा है या कोई भी चीज़ें बता रहा है, ये कह रहा है कि लास्ट डेट की बारी है, उस चीज़ में आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। एंड आई थिंक ये जल्दबाजी वाली कोई बात ही नहीं है। तो मुझे थोड़ा लगता है कि आपको थोड़ा सा हमारी बातों पे भी गौर करना चाहिए, जिस चीज़ के बारे में मैं आपको अब बताने वाली हूँ। जिया आप बताएंगी, तो अब देखते हैं कि जिया मैम क्या बताती, कैसे हर एक चीज़ के बारे में डिस्क्लोज करती हैं। उन सब के जानने के लिए आपको तो देखना पड़ेगा नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।